ग्यारहवें चरण में पुलिस ने 52 लोगों को लौटाए उनके गुम अथवा चोरी हुए मोबाइल फ़ोन। बक्सर पुलिस के द्वारा लगातार मोबाइल बरामद कर लोगों के बीच बांटा जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को एक बार फिर 52 लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन वापस किए गए। ये सभी मोबाइल फ़ोन या तो चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे। मामले में थानों में सनहा दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए और फिर इनके वास्तविक मालिकों को इन्हें लौटा दिए। सुनिए एसपी दीपक बर्णवाल ने क्या कुछ कहा। सर, पुलिस की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे सनहा होते हैं जिसमें लोगों का लॉस तो बड़ा होता है, लेकिन उतना लोग एक्टिव हो के इस बारे में, मोबाइल गुम होने के बारे में कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जिसका मोबाइल चला जाता है वो एक दो बार प्रयास करके मान लेता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक परंपरा बनी हुई है और लगातार इस पर DIU की टीम और थानों की टीम काम करती है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि 52 मोबाइल रिकवर करके सभी मोबाइल धारकों को सौंपा गया। कुछ लोग नहीं आए हैं, वो थाने के माध्यम से उनको पहुँचा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, अभी तक बक्सर पुलिस द्वारा टोटल 1100 मोबाइल उनके मालिकों के हाथ में पहुंचाए गए हैं, जो एक बहुत सकारात्मक पहल है। आम जनता में भी पुलिस का एक अच्छा मैसेज जाता है, पुलिस से एक गुड फेस जनरेट होता है। सभी जिनको मोबाइल मिला है उनसे अपेक्षा रहेगी कि पुलिस के इस पक्ष को भी अपने जानने वालों से या उनसे बताएं, क्योंकि निगेटिव बातें बहुत आसानी से फैलाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हैं, इससे भी समाज में थोड़ा नकारात्मकता फैलती है। और इस तरह का जो भी मामला आता है, हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। लोग को लगता है कि नहीं, एक बार गुम हो गया तो गुम हो गया, ऐसा नहीं है। आप उदाहरण देख सकते हैं, 1100 मोबाइल अभी तक दिया गया है उनके मालिकों को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 11वां चरण है जो मोबाइल वितरण का, तो लोगों में भी आप लोग देखिए काफ़ी खुशी है, वो लोग भी बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर यहाँ से जा रहे हैं। और बक्सर पुलिस की पूरी टीम जो है इस काम में लगी हुई थी, सभी टीम को मैं बधाई देता हूँ और सभी जिनको मोबाइल मिला है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहरहाल पुलिस से मोबाइल पाकर लोग काफ़ी प्रसन्न दिख रहे थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उन्हें मोबाइल फ़ोन वापस मिलेंगे। उन्होंने पुलिस का धन्यवाद दिया और कहा कि निश्चित रूप से ऐसी पुलिसिंग हो तो अपराध ही अपराध करने से डरेंगे। बता दें कि बक्सर में लगातार लोगों के मोबाइल ढूंढ कर उन्हें वापस किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यदि लोगों के मोबाइल गुम हो जाएं तो वो नज़दीकी थाने में इस बात का सनहा दर्ज कराएं। सनहा दर्ज करने के उपरांत पुलिस उनके मोबाइल नंबर व CDR के आधार पर मोबाइल की तलाश शुरू करती है और फिर मोबाइल बरामद कर बरामद मोबाइल को उचित पहचान दिखाने पर उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दिया जाता है। मोबाइल बरामद करने और उसे फिर उसके वास्तविक मालिक को लौटाने का यह कार्य आगे भी चलता रहेगा, ऐसा पुलिस का कहना है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि यदि उनके भी मोबाइल फ़ोन गुम हो गए हों अथवा चोरी हो गए हों तो वह नज़दीकी थाने में पहुंचकर इसका सनहा दें, जिसके आधार पर उनके भी भूले हुए मोबाइल बरामद किए जा सकें।